ठीक है पापा, बाय, चलती हूँ। हाँ ठीक है, बाय बेटा, अपना ध्यान रखना। हाँ अब तुझे क्या बाय बोलू, है ना, तुझे सुनाई देता है और ना ही मुझे दिखाई देता है। अब ठीक है, जा संभल के। ठीक है पापा, मैं जा रही हूँ। हाँ ठीक है बेटा। पापा तो चले गए, अब जाके अपने बॉयफ्रेंड से मिलती हूँ। 2 घंटे का टाइम है मेरे पास। घंटी की आवाज तो नहीं आ रही है, लगता है वो चली गई। कोई बात नहीं, अब उसका पीछा करता हूँ। जहाँ वो होगी और घंटी का आवाज आएगा, पता चल जाएगा मुझे कि वो कहाँ जाती है। उसने बहुत अंधे होने का फायदा उठा लिया है। घंटी की आवाज इधर से ही आ रही है, इसका मतलब मेरी बेटी जरूर कहीं ना कहीं जा रही है, और वो जहां भी जा रही है उससे मिलने कोई ना कोई तो आएगा जरूर। मैं उसे रंगे हाथ पकड़ूंगा, देखू तो कहां जा रही है। अरे आवाज तो बंद हो गया, लगता है इसका मतलब मेरी बेटी यहीं रुक गई है और उससे मिलने जरूर कोई ना कोई आया होगा। क्या हुआ? घंटी की आवाज आ रही है, कहां से? लगता है इसके गूंगे बॉयफ्रेंड को पता चल गया है कि आसपास कहीं घंटी बज रही है। हाँ चेक करके बताओ। लगता है इसको पता चल गया कि घंटी पीछे बांध रखी है। किसी ने मेरे पीछे घंटी टांग दी है, पर कौन हो सकता है? लो इस गूंगे ने ये भी बता दिया इसको लिखकर। कोई बात नहीं, अब जब पता चल ही गया है तो मैं भी बता देता हूँ। ये घंटी मैंने बांध रखी है बेटी, अब तुझे क्या बोलू, तू तो सुन भी नहीं सकती। ओ गूंगे बॉयफ्रेंड, जरा मेरी बिटिया को बता कि उसके बाप को उसके चक्कर के बारे में पता चल गया है। क्या पापा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उसको लिख के ये भी बता दे कि आज से उसका बाप उसके लिए मर गया। आज के बाद तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए मर गए? पापा नहीं, नहीं पापा ऐसे मत करो। पापा सुनो।